क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट जो बड़ा सा आपको LHS दिखाई दे रहा है, तो ये मत आप परेशान मत हो, ये बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही जल्दी सोल्व हो जाएंगे, बहुत जल्दी 2 मिनट में सोल्व हो जाएंगे ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। ये स्टूडेंट आप याद रखिए, साइन ये है जो पूरा एंगल ए है, और ये पूरा है स्टूडेंट एंगल बी ठीक है। तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, ओके स्टूडेंट, ये हमारे एंगल्स हैं। तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आप याद रखिएगा, साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी इजगल टू कॉस ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो ये स्टूडेंट LHS में ये दिया गया है, LHS में स्टूडेंट यहाँ तक तो दिया गया है ठीक है। अब स्टूडेंट इसी को हमें इस फॉर्म में करना होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको, ध्यान दीजिए क्या है फॉर कॉस, तो साइन ए इंटू साइन बी प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्टूडेंट, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो हम लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कॉस ऑफ ए क्या है स्टूडेंट मेरा, तो ए है मेरा स्टूडेंट एन प्लस वन ऑफ एक्स ठीक है, ये मेरा ए हो गया माइनस, तो माइनस का साइन, और बी क्या है स्टूडेंट मेरा, तो एन प्लस टू इंटू एक्स, ये मेरा बी है ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट। अब इसको ब्रैकेट में, बड़ा वाला ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए ठीक है, ये ए हो गया माइनस बी हो गया, जैसे आपको ये फॉर्मूले में दिखाई दे रहा है ठीक है स्टूडेंट। बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कॉस क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप एन को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, एन एक्स होगा ना, प्लस वन को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, माइनस माइनस को माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दिए, और माइनस एन को एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एन एक्स होगा स्टूडेंट, फिर प्लस ये देख लीजिए माइनस प्लस माइनस टू एक्स, यहां तक आपको समझ में आया, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए आप यहां पर कि प्लस एन एक्स से माइनस एन एक्स कैंसिल हो जाएगा ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, अब क्या बच गया स्टूडेंट मेरा कॉस, क्या बच गया स्टूडेंट, प्लस एक्स बच गया, फिर माइनस टू एक्स बच गया। अब आपको पता होगा स्टूडेंट क्या होगा कॉस, क्या होगा स्टूडेंट प्लस एक्स और माइनस टू एक्स में क्या होगा स्टूडेंट, यानी कि प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, और जब प्लस माइनस रहते हैं तो हम घटाते हैं ठीक है स्टूडेंट, तो 2x में से 1x घटाएंगे तो x बचेगा ठीक है स्टूडेंट, यानी कि प्लस एक्स माइनस टू एक्स को अगर स्टूडेंट हम माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस एक्स होगा, माइनस का साइन क्यों लगा क्योंकि माइनस बड़ा है नंबर, और जो जिसमें से घटाते हैं वही उसी का साइन होता है ठीक है स्टूडेंट। अब आपको तो पता ही होगा कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इजगल टू कॉस एक्स होते हैं ठीक है, ये क्यों होते हैं स्टूडेंट, क्योंकि कॉस जो होते हैं इस माइनस एंगल को खा जाते हैं, कॉस और सेक दोनों ऐसे ही होते हैं जो माइनस एंगल को खाकर पॉजिटिव एंगल बना देते हैं, तो बस ये भी हो जाएगा स्टूडेंट कॉस एक्स ठीक है इजगल टू आर एच एस प्रूफ्ड, समझ में आया स्टूडेंट, बढ़िया तरीके से मैं आपको बताया हूँ, आप इस पूरे को LHS मान लीजिए ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक आप LHS मान लीजिए ठीक है स्टूडेंट।